नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ घीये की बेहद ही अनोखी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही अनोखी है। आप जब भी इसे अपने घर पे बनाओगे तो आप इसके दीवाने हो जाओगे और आपका इसे खाने का बार बार मन करेगा। आपके मेहमानों को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों से लेकर बड़े तक हर कोई इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी खास। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। घीये की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक घीये की ज़रूरत पड़ेगी और घीये का ऊपरी हिस्से को हम अलग कर लेंगे, वो भी बिल्कुल गोल गोल, क्योंकि इसकी जो टोपी है वो अभी हमें काम आएगी। अभी हम इसको निकाल के साइड में रख देते हैं। इसके बाद चम्मच की मदद से जो अंदर का घीया है उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है। फिलहाल आपको इसे बाहर निकाल लेना है और इसके जितने भी छोटे छोटे पीसेस हैं वो आपको कर लेने हैं, यानी कि घीये में से बीज निकाल लेने हैं और आपको घीये के टुकड़े अलग कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से आपको रखना है। दूसरी तरफ आपको एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आपको तेल डालना है, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है। अब एक बारीक कटा हुआ प्याज भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब प्याज को अच्छे से भून लेना है। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी गाजर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी इसमें गाजर ऐड करी है। गाजर को भी मैंने हल्का भून लिया है। इसके बाद मैंने एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी इसमें ऐड कर दिया है और वही एक करछी की मदद से मैंने इसको अच्छे से भूनना भी शुरू कर दिया है। जब टमाटर अच्छे से भून जाए तब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के कुछ दाने। मूंगफली के दाने इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने मूंगफली का इस्तेमाल किया है। तो वहीं मैंने एक आलू का भी इस्तेमाल किया है। आलू इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए आप आलू बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इन्हें अच्छे से भून लें। जब थोड़े से भून जाए तब इसमें डालना है आपको घीया। जो हमने घीया निकाला है बस हमने उसी का इस्तेमाल किया है इसमें, आपको भी बस उसी का इस्तेमाल करना है और थोड़ी ही देर में हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। अब मैंने इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, लाल देगी मिर्च भी ऐड करी है और हल्दी का भी इस्तेमाल किया है। अब करछी की मदद से इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले अच्छे से अब मिक्स हो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी और फिर से करछी की मदद से इसे अच्छे से घुमा लूंगी। जब ये अच्छे से घूम जाएगी तब हमें इसमें लगाना है ढक्कन, ताकि सारी वेजिटेबल जो सारा मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है। अब हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। आलू भी अच्छे से पक चुके हैं, इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। दूसरी तरफ दोस्तों, मैंने लिया है घीया और उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब जो सब्जी हमने जो बनाई है वो अब हम इस घीये में डाल देंगे। दोस्तों, ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो घीया है वो अच्छे से इसमें दम ले लें। ये घीये की अनोखी सब्जी है, आप इसे एक बार ज़रूर अपने घर पे बनाओगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। जो अभी हमने जो ढक्कन इसका जो टोपी निकाली थी वो अब हम इसमें लगा देंगे सारी सब्जी भरने के बाद में, और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये दोस्तों अच्छे से पक जाए तब आप
अपनी सब्जी या ये कहे कि घीये की दम आलू जो है वो आप एक बार खाकर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।